आप अभी जो स्थिति बनी हुई है, आज किसानों की ओर से आंदोलन किया गया हरियाणा में, पंजाब में, जिसके बाद सरकार की ओर से धान की खरीदी को लेकर फैसला ले लिया गया है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है, आंदोलन खत्म कब होगा? आप लोगों का क्या टेक है भानु जी इस पर? ऐसा है, अब है द्विवेदी जी से और इनसे भदौरिया जी से कह दो कि ये मेरे बात में टोके ना, तो मैं बता सकता हूँ। बोलिए, कोई नहीं टोकेगा, बोलिए। तो मैं नहीं फिर बोल सकता, कोई नहीं बोलेगा, बोलिए। हाँ, इस समय मेरी उम्र है 70 साल, मैंने जो मेरे ऊपर जो बीतता है, 1 मार्च 2011 में माननीय मनमोहन सिंह की सरकार थी, हम गए थे कि किसान बचाओ, देश बचाओ, यमुना बचाओ, गंगा बचाओ, और ब्रज के बिरक्षंत पूजने रमेश बाबा ने भेजा था, 15 दिन रहिए, आराम से चले आए, और फिर नहीं कुछ बात बानी तो 13 में गई। यानी कांग्रेस इस समय देश की सबसे ज्यादा शासन करने वाली और इतनी ईमानदार पार्टी है कि इसने कांग्रेस के नेताओं ने सड़क के कमीशन में, अरे खेती की बात करो, कितनी आमदनी रह गई किसान की, बताओ देश को। भानु प्रताप जी, मोदी जी ने जो रिपोर्ट जारी करी उसका खुलासा करो ना। वीडियो आपका फ्रीज हो गया है भानु जी, साफ आवाज नहीं निकल पा रही है। आप साफ ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए, ठीक हो गई। कमीशन में जब निकले, बकवास बंद करो आप, जब हमने कहा था हार गई 19 में, हार गई, जीत शक्ति नहीं, जीत शक्ति नहीं 2014 में, क्या क्या है, क्या है? मेरी बात सुनिए तब जवाब दीजिए, और यदि ज्यादा ताकतवर हो तो यहाँ आ जाओ मेरे पास, 26,000 करोड़ गुजरात ने फसल बीमा स्थगित कर दी, लागत का 50% पर नहीं दे रहे हैं, ऐसा है, मेरी बात सुन लो चुपचाप। ये है कि 10 महीने तक 26 जनवरी में आंदोलनकारियों ने लाल किले पे झंडा फहराया, 525 पुलिसकर्मियों को घायल किया, ये किसानों का काम था। टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर 20-20 किलोमीटर पक्के मकान बना के एसी चल रहे, ये किसानों का काम है।